हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। प्रीवियस क्लास में हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था लीनियर इक्वेशंस का। सो नाउ वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ 2x plus y is equals to 6 and 2x minus y plus 2 is equals to 0. सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने कल सीखा है ड्रॉ करना। After that, shade the region bounded by lines and x-axis. Find the area of shaded region. So हमें एरिया भी फाइंड करना है। So let us write the equations first. 2x plus y is equals to 6. So 2x plus y is equals to 6. This is the one equation. And other is 2x minus y plus 2. 2x minus y plus 2 is equals to 0. So, मैंने जैसा कि कल भी आपको बताया था कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत है, 2, और मैक्सिमम आप जितने मर्जी फाइंड कर लो, राइट? सो लेट अस फाइंड 2 पॉइंट्स। और मैंने बताया था जो 2 पॉइंट्स हम किस पे फाइंड कर सकते हैं, एक जब x को 0 रख लो और एक जब आप y को 0 रख लो। सो इस इक्वेशन में x को 0 पुट करो, 2 into 0 is 0, सो y की वैल्यू आ गई 6, राइट? नाउ y को 0 पुट करो, 2x is equals to 6, तो x क्या आया, 3। सो हमने इस इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड कर लिए। सो दिस इज आवर x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, positive y-axis and positive negative y-axis. This is the point of origin. So let us find the points for the second equation as well. So second equation hamari kya hai? 2x minus y plus 2. So one time x ko 0 rakho aur one time y ko 0 rakho. X 0 rakha, माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। प्लस के टू इक्वल के दूसरी साइड गए, माइनस हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई आ गया 2। नाउ पुट वाई 0, सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2, सो x इज माइनस 1। आप रफ में फाइंड करोगे पॉइंट्स को, साइड में आप पॉइंट्स फाइंड करोगे x 0 पुट करके, ऑरली नहीं करोगे, एग्जाम में आप शो करोगे कैसे आया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट हमें दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स मिल गए, सो लेट अस ड्रॉ। सो 6 तक जा रहा है मैक्सिमम, ओके, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, नेगेटिव वाई एक्सिस में माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। यहाँ पे मैंने कम पॉइंट ड्रॉ किए, स्पेस कम है, नेगेटिव की मेरे पास टर्म्स नहीं है, सिर्फ एक ही है, ठीक है? सो 1 वाई एक्सिस पे 6 तक जा रहा है, 3 4 5 एंड लेट इट बी 6। नाउ पॉइंट्स लोकेट करें, x इज 0, y इज 6, कीजिए लोकेट और ड्रॉ कीजिए लाइन को जल्दी से। x 0 y 6, दिस विल बी द पॉइंट। मैंने कहा था कि आपको ब्रैकेट में पॉइंट्स भी लिखने हैं, राइट? x 3 y 0, दिस विल बी द पॉइंट। सो ये दोनों पॉइंट कौन सी इक्वेशन के हैं, उस इक्वेशन को इस लाइन पे लिखा जाएगा। ये जो आपकी लाइन है इस पॉइंट में से पास करेगी, ठीक है? पास करते हुए ड्रॉ होगी। सो लेट अस ड्रॉ लाइक दिस। आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे। कौन सी लाइन है, 2x plus y is equals to 6, दिस इज द लाइन, क्या फर्स्ट लाइन के लिए। नाउ लेट अस मूव फॉर द सेकेंड लाइन, उसके भी हमने जो पॉइंट्स हैं वो लोग फाइंड कर चुके हैं। x इज 0, y इज 2, x 0, y 2, दिस विल बी द पॉइंट, x 0, y 2। नेक्स्ट इज x इज माइनस 1, y इज 0, दिस विल बी द पॉइंट माइनस 1, 0। नाउ ड्रॉ द लाइन, दोनों पॉइंट्स में से पास होती हुई ये हमारी लाइन हो गई, 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इतना तो कर लिया, हमें कहा था दोनों इक्वेशंस के लिए आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय बोथ द लाइंस एंड x एक्सिस। अब हमें उस रीजन को शेड करना है
जो एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइंस के साथ है, दिस इज एक्स एक्सिस राइट। तो हमारे पास कौन सा रीजन आ गया, ये सारा रीजन, ये -1 से इधर लाइन है तो ये पूरा रीजन आ गया शेडेड रीजन। मान लो मैंने इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। क्यों दिया मैंने नाम, क्योंकि मुझे एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, शेडेड रीजन जो है ट्राइंगल की फॉर्म में ही है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज हाफ बेस इंटू हाइट राइट। सो व्हाट इज द बेस हियर, बेस इज बी सी। एंड व्हाट इज द हाइट हियर, दिस इज द हाइट। मैंने अगर इसको नाम दे दिया एम, ए एम इज द हाइट राइट। सो ये कौन सा पॉइंट है, सो फाइंड करेंगे। सो लेट अस सी, अब हमारे पास बी सी क्या आया, ध्यान से देखेंगे। -1 से 0 ये डिस्टेंस है, प्लस -1 से लेके 0 तक, एंड देन 0 to 3 एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड ताकि आप लोगों को क्लियर हो। दिस डिस्टेंस -1 to 0। नाउ डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसे हम लेंगे 1, वी विल रेफर इट एज 1, इग्नोरिंग द साइन ऑफ नेगेटिव, ठीक है। प्लस 1 डिस्टेंस ये हो गया और ये कितना हुआ 0 से 3। तो व्हाट इज दिस टोटल डिस्टेंस बी सी, टोटल डिस्टेंस बी सी इज 4। यहां तक क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ए एम, व्हाट इज द हाइट ए एम। सो ए एम हाइट दैट विल बी दिस लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस दिस। सो यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी, 4। सो हमारे पास जो ए एम होगा दैट विल बी 4। क्लियर, ए एम 4 कैसे आया। This is this perpendicular line. ये जो line है x-axis के तो perpendicular है, लेकिन y-axis के parallel है। तो हम ये वाला point देखेंगे कि ये point क्या है, y-axis पे इसकी value क्या है, 4। तो ये आ गया 4। So 2 2s are 4, 4 2s are 8, area है तो square units। Clear? How to find the area of the shaded region? Now let us move to the next question. Draw the graph of equation this and this. Share the area bounded by these two lines and y axis is here. Determine this area. चलिए, x minus y is equals to 1. This is the first equation. And what is the other equation? Let's see. Okay, 2x plus y is equals to 8. 2x plus y is equals to 8. सबसे पहला काम पॉइंट्स फाइंड करना, x और y की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, राइट। सो पुट कीजिए, वंस x 0 एंड वंस y 0। व्हेन x इज 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, माइनस y इज इक्वल्स टू 1, सो y आ गया -1। व्हेन y इज 0 देन x इज 1, दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नेक्स्ट इक्वेशन, पुट x 0 then y is 8, put y 0, 2x is equals to 8, so x is 4. Now next काम हमारा क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना। x एक्सिस x डैश y की वैल्यू 8 तक जा रही है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये हमारा 8 है। पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन -1 -2 -3। माइनस के मेरे पास पॉइंट है, y में भी है, ओके। -4 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। चलिए नाउ लेट अस लोकेट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ओके, फर्स्ट इक्वेशन, x इज 0 y इज -1, सो लोकेट कीजिए पॉइंट आपका कहाँ आया, x 0 y -1, दिस विल बी द पॉइंट। x 1 y 0, दिस विल बी द पॉइंट 1 0। सो नाउ ड्रॉ द लाइन, मेंशन द इक्वेशन कि कौन सी इक्वेशन से रिलेटेड लाइन है। पॉइंट्स को भी आपने मेंशन करना है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको, पॉइंट्स मेंशन करो
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. दिस इज 0 माइनस 1. ओके, लेट अस ड्रॉ द सेकंड इक्वेशन नाउ. x इज 0, y इज 8. x 0, y 8. दिस विल बी द पॉइंट 0, 8. x 4, y 0. दिस विल बी द पॉइंट 4, 0. Now, draw a line with the help of ruler. 2x plus y is equals to 8. This is the line for this equation. Now, हमें shaded area तो find करना है, but with y-axis. So, this is the y-axis. ठीक है? तो y-axis वाले area को पहले shade करेंगे, then find the area. So, this is the area जो हमें find करना है. Now, अगर मैंने इसको नाम दिया A, इसको दे दिया B और इस पॉइंट को नाम दे दिया C. परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है हाइट के लिए. दिस इज द परपेंडिकुलर से M. क्लियर? नाउ अब ये हमारा पॉइंट कहां पे आता है ये आपको ग्राफ पेपर पे दिखेगा क्लियरली कि कहां पे आता है. सो अब हम फाइंड करते हैं एरिया. एरिया ऑफ शेडेड रीजन हाफ बेस इनटू हाइट. बेस इज अगेन बी सी जो हमने माना है. हाइट इज ए एम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी? 0 से लेके 8 तक यहाँ है. सो 8 हो गया. एंड 1 इज दिस पोर्शन माइनस 1 इग्नोरिंग द साइन. सो टोटल डिस्टेंस हो गया 9. एंड व्हाट इज द हाइट ए एम? सो इसकी वैल्यू हम लेंगे. अब वाई एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू देखेंगे. डायरेक्टली हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 3. 9 3s आर 27 बाय 2. 2 1s आर 2. 2 3s आर 6. सो 13.5 स्क्वायर यूनिट्स. अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो जो हाइट होगी वो होगी y एक्सिस के पैरेलल. अगर y एक्सिस के अलोंग लेते हैं सो दिस इज आवर हाइट ए एम. राइट? दिस इज आवर हाइट ए एम. तो हम इसको x एक्सिस के अलोंग देखेंगे. दिस इज 3. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कैसे फाइंड करेंगे? दो इक्वेशंस उसको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करके उसका एरिया फाइंड करना जो भी शेडेड रीजन आता है. और ये हमें ध्यान देना है कि हमें एरिया विद एक्स एक्सिस कहा है या एरिया विद वाई एक्सिस कहा है. क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, चलिए. अ टैक्सी चार्जेस रुपीज 20 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एट द रेट ऑफ रुपीज 12 पर किलोमीटर फॉर अ सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write a linear equation depicting relation in x and y. ठीक है? So what is the relation? Total distance covered है x kilometer. Total distance covered is x kilometer. और total fare जो दिया है किराया that is rupees y. Okay. Now a taxi charge rupees 20 for first kilometer. एक किलोमीटर के लिए टैक्सी ने चार्ज किया 20 रुपए. टोटल डिस्टेंस जाना था x किलोमीटर. उसमें से एक किलोमीटर का तो किराया हो गया 20 रुपीज. बाकी कितने किलोमीटर बचे? x माइनस 1. ठीक है? अब क्या कहा है? एट द रेट ऑफ रुपीज 12 पर किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस. कि बाकी जो डिस्टेंस बचा उसके लिए पर किलोमीटर के लिए 12 रुपए किराया है और टोटल किराया उसने दिया y रुपीज. दोबारा से बता रही हूँ एक सिंपल एग्जांपल के साथ. मान लो मुझे 10 किलोमीटर जाना है एक जगह से दूसरी जगह. फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी 20 रुपए लेती है. बाकी जो किलोमीटर बचे कितने? एक कम हो गया 10 में से, 9 किलोमीटर बचे. उसके लिए रुपीज 12 पर किलोमीटर लेती है. वी कैन इजिली फाइंड द टोटल फेयर. ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमें x किलोमीटर गिवन था. तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज 20, बाकी डिस्टेंस बचा x माइनस 1. सो x माइनस 1 इंटू 12 विच इज द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए चार्ज. सो टोटल फेयर इज, नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन, 20 प्लस 12x माइनस 12. सो व्हाट इज द इक्वेशन? 12x, 20 माइनस 12 इज
8. So this is the equation जो हमने find की. Now draw the graph for the equation formed. From your graph, find the taxi charge for covering 16 किलोमीटर. So now हमें पहले graph draw करना है. हमारी equation क्या थी? 12x plus 8 is equals to y. This was the equation. Yes. So find the value when x is 0. x को 0 put किया, then y is 8. जब हमने y को 0 put किया, तो क्या आ गया? 12x is equals to minus 8. 4 2s are 8. 4 3s are 12. x is equals to minus 2 by 3. Decimal में आ जाएगा. You can take another value. अगर आप decimal में भी लिखोगे, तो भी कोई problem नहीं है. You can draw the graph also. है ना? Previous class में मैंने सिखाया था कि decimal के लिए भी कैसे बना सकते हैं. Now, अगर आप चाहो, कोई और value ले लो y की. मान लो मैंने ले ली 4. y की वैल्यू अगर मैंने 4 ली, so 12x is equals to 4 minus 8, that is minus 4. So 12x is 4, 3s are 12. तो x आ गया, again minus 1 by 3. चलो, मैं डेसिमल नहीं लेती, तो मैं क्या करूं? क्या पुट करना पड़ेगा मुझे? कि ये वाली वैल्यू minus ले लूं, right? So 12x is equals to minus 4, minus 8, minus 12. 12 से 12 cancel हो गया, x आ गया, minus 1. मैं बार बार कह रही हूँ ऐसा नहीं है कि आप डेसिमल की वैल्यू नहीं ले सकते. यू कैन टेक द वैल्यू एंड ड्रॉ द ग्राफ आल्सो. आपकी चॉइस है कि आप होल नंबर लेना चाहते हो या डेसिमल. अगर कोई ऐसी टर्म है जिससे होल नंबर आ ही नहीं रहा, तो आपको डेसिमल ही लेना पड़ेगा. चलो अब ग्राफ ड्रॉ करें. ओके, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस. Point of origin 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay, y की value 8 तक जा रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मैंने पास पास लिया है क्योंकि स्पेस कम है. आप लोग ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा. Now x is 0, y is 8. This will be the point. ओके, वाई एक्सिस पे नेगेटिव पे भी कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं. माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर. नाउ एक्स इज माइनस वन, देन वाई इज माइनस फोर. सो दिस विल बी द पॉइंट समवेयर हियर. नाउ ज्वाइन द लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर. पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए एंड ड्रॉ द लाइन. एंड दिस इज द लाइन फॉर द इक्वेशन 12x plus 8 is equals to. अब मुझे क्या कहा है? कुछ और भी कहा था इस क्वेश्चन में? पूरा क्वेश्चन करके आना है, ये नहीं ग्राफ ड्रॉ किया और छोड़ दिया. फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द टैक्सी चार्जिंग कवरिंग 16 किलोमीटर. सो डिस्टेंस एक्स इज 16. जब एक्स एक्सिस पे 16 होगा, तब हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज द इक्वेशन. So y is equals to 12 into 16 plus 8. That will be the total fear. Y axis पे वो आएगा. मीन हम देखेंगे 16 के corresponding line draw करेंगे. Y axis पे वो कहाँ meet कर रही है इस line को. ठीक है. So जो भी multiply करके आया, खींच लीजिए, multiply कर लीजिए. 6 2s are 12, 2 1s are 2 and 3, 1 into 6, 2 9, 192 plus 8. That is rupees 200 will be the fare for covering 16 kilometers. ठीक है? अब आप देखोगे कि ग्राफ में तो 200 आपका कहाँ आएगा, है ना? तो आप 10-10 का गैप ले सकते हो या 20-20 का गैप ले सकते हो, ताकि आपका लोकेट हो जाए वो पॉइंट. आप फाइंड ऐसे रफ में कर सकते हो कि 16 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, लेकिन एग्जाम में या पेपर में आपको शो जो करना है वो ग्राफ से ही करना है. यू कैन फाइंड इट इन द रफ वर्क टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. बट एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर पे ही 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करो, कहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रही है, दैट विल बी द फियर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अब हम. ओके, लेट अस मूव. लाइब्रेरी has a fixed charge for rupees 4 days. एक लाइब्रेरी 4 days के लिए, अगर पहले 4 दिन के लिए कोई बुक लेता है,
तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज है कि 4 दिन के लिए इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, अगर कोई भी अपने पास बुक 4 दिन से ज्यादा के लिए रखता है तो हर एक दिन के लिए उसके बाद उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। आदित्य पेड ₹18 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। आदित्य ने टोटल ₹18 पे किए जब उसने अपने पास बुक रखी 7 डेज के लिए। इफ द फिक्स चार्जेस आर ₹X एंड द चार्जेस पर डे इज Y, फिक्स चार्जेस इज X, दैट इज फॉर 4 डेज। 4 दिन के लिए ₹X तो देने ही पड़ेंगे। तो टोटल उसने कितने दिन के लिए अपने पास बुक रखी? 7 दिन के लिए। 7 में से 4 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज था, तो बाकी कितने दिन बचे? 3। और 3 दिनों के लिए हर डे के लिए पर डे चार्ज क्या है? Y। सो X+3Y। और टोटल उसने कितना अमाउंट पे किया? 18। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? X+3Y=18। तो इसमें हमें सिर्फ रिलेशन लिखना था। आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो, राइट? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। एन ऑटो रिक्शा चार्जेस ₹25 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। अगर आपने कभी ऑटो में ट्रेवल किया है तो यू नो कि फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए ₹25 इज अ फिक्स चार्ज। कि अगर आपने 1 किलोमीटर भी जाना है फर्स्ट दो, अगर आप ऑटो में बैठ गए हो तो पहले 2 किलोमीटर के लिए ₹25 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? एंड ₹8 ईच फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। उससे 2 किलोमीटर से आगे कितने किलोमीटर जाओ उसके लिए पर किलोमीटर ₹8 इज द चार्ज। फॉर अ डिस्टेंस एक्स किलोमीटर, अगर किसी पर्सन ने एक्स किलोमीटर गए, 25 तो रुपीज देने हैं 2 किलोमीटर के लिए। अब वो गया एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर से लिए में से पहले 2 किलोमीटर के लिए तो वो ₹25 दे चुका है, तो बाकी डिस्टेंस उसका बचा X-2। अब इसके लिए क्या है? ₹8 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर, सो उसको ₹8 देने पड़ते हैं। एंड अमाउंट ऑफ ₹Y इज पेड, उसने टोटल ₹ दिए Y, सो राइट अ लीनियर इक्वेशन। क्या आ गया? Y=25 प्लस 8X-16, सो Y इज 8X, 15-6 इज 9। Clear to all of you? Yes? Is there any doubt? So that's all for the chapter number 4, that is linear equations in 2 variables. तो यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक होता है चैप्टर 4 का फिनिश। कल हम मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे डेट इज चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। तो मिलते हैं कल नई चैप्टर के साथ। Till then, bye-bye, take care, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। Bye-bye, बच्चों।